पीटीआई नेता शिरीन मजारी का बयान सामने आया, पहले से थी प्रदर्शन करने की तैयारी और इमरान के गिरफ्तार होने पर प्रदर्शन की तैयारी थी। देखिए वही बात जो हम पूछ रहे थे, हम सवाल रख रहे हैं, वही शिरीन के बयान में भी है कि तैयारी पहले से थी और मशीनरी को क्या इसका अंदाजा ही नहीं था कि इस लेवल पे ये सब होने वाला है। त्रिपाठी सर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कैसे हो गया? मतलब देखिए, अब वो दावा भी कर रही है, शिरीन का अगर बयान करें देखें तो भाई पहले से ही तैयारी थी, वो साफ कह रही है। देखिए सरकार को ही पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे पूरे देश को जलाया जाना है, भाई गिरफ्तारियां तो पहले भी हुई हैं। देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो इमरान खान के जाल में फंस गई है। जाल में इसलिए फंस गई है कि पहले से देखिए तैयारी थी प्रदर्शन की कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो प्रदर्शन होगा। इमरान खान ने गिरफ्तार होने से पहले कहा कि अगर आपके पास वारंट है तो ले आइए, हम गिरफ्तार होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। और उसके बाद हल्ला कर रहे हैं क्यों गिरफ्तार किया गया। वारंट था, 1 मई को साइन किया गया था DGP पंजाब पुलिस के द्वारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ NAB, तो वारंट तो था लेकिन गिरफ्तारी सही हुई, लेकिन जिस ढंग से हुई वो ढंग सही नहीं था। लेकिन वो इमरान के लिए बड़ा मुफीद था कि जब कोर्ट के बाहर हों, इतने लोग हों उनके समर्थक, उस वक्त उनको गिरफ्तार कर दिया जाए ताकि उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो जाए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का एक मौका, सुनहरा मौका मिल जाए। ये उन्होंने किया जी, और जी। सरकार इस पे फंस गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अब शहबाज शरीफ संभालना चाह रहे हैं हालात को, लेकिन हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई इस बात के लिए राजी नजर नहीं आ रही है कि वो अपने समर्थकों से अपील करें कि उनके समर्थक घरों में वापस लौटें।